अच्छा, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। जी हाँ बिल्कुल। इसी खजाने के उद्देश्य से हाँ एक बार आक्रमण हुआ था इस। नमस्कार साथियों, नंदन वाजपेयी और ये अनुराग भाई अपना। आज आप लोगों को लेकर के चलते हैं भीतर गांव। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, यूट्यूब में काफ़ी वीडियो हैं वहाँ पर। और कहते हैं वहाँ पर एक मंदिर है पुराना, प्राचीन, हजारों साल पुराना या 1000 साल पुराने के आसपास तो होगा ही होगा। और यह ट्रैक्टर कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है भाई। तो वहाँ की स्टोरी ये है कि काफ़ी पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक, और वहाँ पर मूर्तियाँ जो है वो कहते हैं वो मंदिर रातों रात किसी ने बनाया था। अब कुछ लोग कहते हैं वो भूतों ने बनाया या अदृश्य शक्तियों ने बनाया या वहाँ के कुछ राजाओं ने बनाया, या आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि किसने वो मंदिर बनाया। तो उसी को जा कर के हम लोग देखते हैं आज क्या है वहाँ का रायता। और भी जो बस ब्लॉग में आप देखते जाइए क्या क्या रास्ते में पड़ता है, वो सभी आपको शो करते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, तब तक के लिए बी ऑन माई ब्लॉग। गेट ओवर हियर। चल पड़े हैं भाई मंजिल की ओर। दोस्तों हम लोग जो है इस वक्त निकल चुके हैं। आपको मालूम है कि मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। और ये है संजय गांधी नगर की नहर वाली रोड, नहर के किनारे चतुर्वेदी बिल्डिंग बोलते हैं इस रोड को। और ये नहर आज नाला बन चुकी है, ये देख सकते हो आप, ये नहर का नज़ारा। और ये एक ज़माने पहले जो है बहुत क्लियर और बहुत साफ़ हुआ करती थी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... खाने आ गए हैं भैया, भंडारा हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। और ये साईं मंदिर है यहाँ पर, तो यहाँ देखा भाई साहब लोग जो है भंडारा कर रहे हैं। तो राजू भाई हमारे कैन भूख लगी, तो हमने कहा चलो भाई भंडारा खा लेते हैं। तो भंडारा खा करके फिर हम लोग निकलते हैं आगे। क्या होता है, बहुत ही लाजवाब। और ईश्वर का स्पर्श होने के बाद कोई भी भोज सामग्री हो उसमें स्वाद स्वतः ही आ जाता है, ये आनंद की बात है। तो चलते हैं फिर भंडारा निपटा लेते हैं, इसको ग्रहण कर लेते हैं प्रसाद को, फिर उसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। साही बाबा तेरे, हाँ भाई आ गया। बड़ा ही आनंद और बहुत ही स्वाद से भरपूर जो प्रसाद अभी ग्रहण किया है, मज़ा आ गया। और मतलब रवे की जो है उस, मतलब रवे का हलवा जो था वो किशमिश वगैरह मिला करके, और बहुत ही प्यारा स्वाद था उसका, बहुत ही उम्दा। तो आनंद आ गया है और रास्ते का लुत्फ आप लोग भी लेते रहो, थोड़ा थोड़ा मज़ा लेते हुए चलना है। मंजिल अभी दूर है, पर हमारे अनुराग भाई का क्या कहना है, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं।
लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। टैनी नजर आ रहा है बंदा। हाँ तो आनंद लेते रहिए और चलते रहिए, फिर मिलते हैं सीधे मंदिर पहुंचने के बाद। भाई ऐसा है कि लघु शंका जो है हम लोगों को जो है लगी, तो हमने सोचा यार वो करके लघु शंका निपटा ली जाए थोड़ी सी। और बड़ी प्यारी रोड है वैसे, आनंद आ रहा है यहाँ खड़े होने में ना। कुछ खेतों को देख करके एक गाने की याद आ रही मेरे को, और वो गाना है बागों में झूलों के मौसम वापस आए रे, घर आ जा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने ही देश में हैं दोस्तों। हम लोग जो है काफ़ी करीब आ चुके हैं उस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के करीब, और अभी कुछ सज्जन व्यक्ति मिले थे हम लोगों को, तो उन्होंने बताया है कि भैया आप बस आप बिल्कुल मंदिर के करीब आ चुके हो। तो सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के करीब, करीब क्या मंदिर के ठीक पास में ही आ चुके हैं और मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। और ये देखिए आप देख सकते हो मेरे पीछे मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये इमारत। और ये इसकी बहुत सी स्टोरी है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए इस मंदिर को ऊपर से करीब से देखिए, और इस पे ख़ास बात क्या है मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसकी ऊपरी इमारत को देखिए आप, ये ऊपरी इमारत जो है इसकी काफ़ी उजड़ी हुई है, पूरी तरह से मतलब फिट नहीं है और अनफिनिश है। और नीचे का एरिया जो है इसकी गुम्बद का वो फिनिश है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है देखते हैं, यहाँ कोई मिल जाता है तो उससे बात करते हैं। अभी एंट्री देखते हैं, यहाँ पर एंट्री होती है अंदर, कैसे जाना क्या है। ओके फिर मिलते हैं आपसे, एंट्री देखते हैं। ये देखिए आप इन्हें बोर्ड में दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को। हाँ जी ये आप बोर्ड पे, मैं अभी आपको बैक कमरे से दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग जो है अंदर आ चुके हैं मंदिर के, और अभी यहाँ पर जो अंदर प्रशासन हमको मिला है उन्होंने थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको हमें फॉलो करते हुए चलना है और उस इंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको मैं दूर से ही यहाँ पर जो है इस मंदिर की कलाकृति और इस प्राचीन इमारत की जो भी यहाँ का रंगत है वो सब आपको यहाँ पर शो करता हूँ। शुरुआत करते हैं जी, सबसे पहले जब आप एंट्री लेंगे तो आपको इस तरीके का जो है बोर्ड मिलेगा, और इस बोर्ड में आप देख सकते दोस्तों, इसको आप बाद में पॉज करके भी जो है इंस्ट्रक्शन के इसको जो भी डिटेल है इसको पढ़ सकते हो आप। और इस मंदिर के बारे में सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, और हमारे विदेशी दर्शक जो भी होंगे उनके लिए ये इस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे, और आओ भाई राजू। और ये वो इमारत है, ये देखिए इसको बताया जाता। अभी मैं यहाँ पर किसी को देखूँगा कि कोई मिला नहीं है मेरे को, यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है जो इसके बारे में डीपली जानकारी मुझे यहाँ पर दे जाए। होंगे बहुत से लोग लेकिन अभी हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं अभी मिला हमको। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसकी ऊपर का हिस्सा जो इसका, ये अनफिनिश है। क्यों अनफिनिश है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, ये
अभी तक रहस्य है। आप लोग भैया यहीं के निवासी? अच्छा भैया, आप तो ये हमारे कुछ सज्जन मित्र बड़ मिले हैं, यहीं के निवासी हैं। शुभ नाम भैया बताइए दोनों लोग। मेरा नाम अंकित गुप्ता है। थोड़ा सा तेज बताइए। अंकित नाम है मेरा। अंकित नाम है आपका भैया? रोहित गुप्ता। रोहित जी, अंकित जी और रोहित जी हमारे पास जो है यहाँ पर हमको मिले हैं इस प्राचीन इमारत के करीब, तो हम लोगों को ये बताएंगे, थोड़ा सा हम इनसे सवाल करेंगे, भैया इस मंदिर का क्या इतिहास है, क्या है, मतलब इसको कैसे, किसने बनाया और कब का बना हुआ है ये? जैसा कि किताबों में पढ़ा जा रहा है कि थैंक यू, कोई बात नहीं, जैसा कि किताबों में बताया जा रहा है कि गुप्तकालीन मंदिर है ये और गुप्त वंश में ही बनाया गया है। मगर हमारे पूर्वज जो बताते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ कोई बंजारे आया करते थे इसकी मॉडिफाई के लिए। कितने समय पहले की बात है? समथिंग यही 50-60 साल की बात पहले। 50-60 साल? हाँ, लेकिन मुझे तो बताया गया कि हजारों वर्ष पुराना। नहीं नहीं, बना बहुत पुराना है। अच्छा, मगर इसकी रेख देख के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, बंजारे वगैरह आया करते थे। बंजारे आया करते थे, वो कहाँ से आते थे बंजारे? उनका कोई अता पता नहीं। कोई अता पता नहीं। अच्छा, यहाँ पर तब कोई डेवलपमेंट नहीं था। अच्छा, आते रहे अपना इसमें देखते रहे, कहता है कि बहुत खजाना है इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर। हाँ, ऐसा बोला जाता है। क्या कि अभी भी खजाना है ऐसा? हाँ, ऐसा है अभी ऐसा भी। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हाँ, इसी मंदिर में है या इसके नीचे है या अगल बगल है कहीं पे, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं, लॉक है भी, लॉक है, और जब कभी कभी खुलता भी है, फिलहाल कोई क्लियर नहीं कि कब खुलता है। जब बाहरी लोग आते हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया से जो आते हैं, उनके लिए पर्सनली खोला जाता है, स्पेशल परमिशन। अच्छा, विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो भैया ये दोस्तों, इन लोगों ने जो हम लोगों को बताया, जानकारी दी है अंकित जी ने और रोहित जी ने, कि ये जो मंदिर है, ये इमारत जो है, ये करीब हजारों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर अभी पूरी तरह से किसी को भी ये नहीं मालूम कि ये कितनी पुरानी है। लगभग ये गणना की जाती, लोगों का ऐसा मानना है कि ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये बहुत ही पुराना हो सकता है। किसी को अंदाज़ा नहीं है, लोग अपना अंदाज़ा लगा करके बोलते हैं। अच्छा, इसे लक्ष्मण जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मूर्ति भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है और इसमें लॉक लगा हुआ है, जिसमें एंट्री हम लोगों को क्या किसी को भी एंट्री नहीं। अभी मैं लेकर के चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। और एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहेंगे रोहित जी, अंकित जी, कि ये जो इसके मंदिर के जो ऊपर वाला एरिया, ये जो है गुम्बद जो इसकी दिखाई दे रही है जी, तो ये अनफिनिश क्यों है? इसलिए अनफिनिश किया गया है कि ये मॉडिफाई किया गया है मंदिर को, हम लोग सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हमारा मंदिर सेफ और सुरक्षित रहे। जो आप नीचे का आकार देख रहे हैं, ये मॉडिफाई किया गया है, बाकी प्राचीन वही मंदिर है। प्राचीन पहले ये बाद में बनाया गया, ये डिजाइन वगैरह जी, ये जो फोटो दिख रही है आपको, तस्वीरें दिख रही हैं, और ये सब अधूरी हैं। नहीं, ये अंदर की ही है, ये मॉडिफाइड करने के बाद इनकी इतनी जगह छोड़ दी गई है। लेकिन ये मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? दिखने की अधूरी है, टूटा हुआ है कुछ ना कुछ, सर टूटा है कुछ, कुछ मतलब कुछ ना कुछ, मुंडी सबकी मतलब लगभग शायद ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन समय में इसमें एक बार इसी खजाने के उद्देश्य से एक बार आक्रमण हुआ था, इसमें आक्रमण हुआ था जी। किसने किया होगा आक्रमण को, इसकी जानकारी? आई डोंट नो, इसकी जानकारी नहीं है अभी। चलिए कोई बात नहीं, तो इस पे आक्रमण किया गया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी करीब से, और इसके कुछ स्नैप भी आप लोगों को यहाँ पर, स्क्रीनशॉट भी हम देंगे, पूरा प्रयास करेंगे देने का। और इस पे मैंने देखा इस मंदिर में, इस इमारत पे कुछ मूर्तियाँ जो हैं, वो हर मूर्ति जो है उसकी एक विशेषता है कि वो अधूरी है, सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली। और इसका जो गुंबद है वो भी अनफिनिश है, तो अनफिनिश की वजह तो यहाँ अंकित जी ने हमें बताई कि ये जो जब दोबारा इसको मतलब रिपेयर किया गया है या कुछ अपग्रेड किया गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो अनफिनिश एरिया जो है, वो प्राचीन इमारत वही है जो उसकी गुंबद दिखाई दे रही है। तो और कुछ यहाँ पर विशेषता है इसकी? लोग बताते हैं कि ये रात में बनाया गया मंदिर। हाँ, ऐसा कुछ हम लोगों को थोड़ा सा एक नया सवाल देखिए आ गया। नहीं, हम लोगों को ऐसा सुनने को मिला है, हम लोगों को सुनने को मिला ऐसा कि ये कहते हैं लोग, ऐसा ही बताते हैं, बनाया रातों रात। नहीं, बंजारों की ही बनाई, इंसानों ने बनाया, रात में बनाया और इसे बनते हुए किसी ने देखा नहीं आज तक, इस मंदिर को बनते हुए किसी ने भी नहीं देखा। ये कब बन गया? हाँ, इसको तो सभी ने, इसको देखा गया है,
और वे जो अंदर का प्राचीन मंदिर इसका अंदर का देखा नहीं बनाते अंदर ऊपर जो बना हाँ इसको किसी ने नहीं देखा थोड़ा ये सब मूर्तियाँ वगैरह ये सब किसी ने नहीं देखी उसको सिर्फ प्राचीन देखने की वजह से ही उतना छोड़ा गया था। अच्छा जी तो ये रात और रात बन गया था और किसी को खबर नहीं हुई थी कैसे बन गया किसने बना दिया गया इसकी जो पुरानी मॉडिफिकेशन है उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है मतलब ये जो लेटेस्ट अपग्रेड किया गया है ये जो दिखाया जा रहा है और जो इसको रिपेयर करने अच्छा के लिए ये जो अपग्रेड का काम हुआ है ये जो अभी हमारे सामने इसकी डिजाइन है जी। ये लगभग कितने समय पहले बनाई गई ये तो अभी 50-60 साल सरकार की वजह से जब से इसको सरकार ज्यादा टूट रहा होगा इस वजह से रखने के लिए डिटेल वो मैंने देख लिया है। तो चलिए अंकित जी और रोहित जी ने हमको इस मंदिर की इस इमारत की जो है इन्फॉर्मेशन दी। एक और भाई हैं अपना शुभ नाम भी बताओ पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र ये तीन व्यक्ति हैं तो तीनों ही मिलनसार व्यक्ति यहाँ पर हमको मिले हैं और इन्होंने काफ़ी डीपली में हमको जो है जो जो हमने क्वेश्चन किए जो सवाल किए उसके जवाब कहीं ना कहीं हद तक इन्होंने पूरे प्रयास किया देने का और उससे हम और आप दोनों ही संतुष्ट होंगे ऐसी मेरी कामना है। तो बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आप लोगों को भाई और ये हमारा चैनल है। ये देखिए ये अंदर का एरिया है और इस तरह से ये पड़ा हुआ है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बताया जाता है कि इसे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बंद कर रखा है इसको लॉक कर रखा है क्योंकि उनका मानना है कि इसमें आज भी खजाना कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। तो चलिए आई होप कि खजाना लोगों को काश मिल सकता बस इतना ही कह सकता हूँ। और ये देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ की जो हर मूर्ति है वो अधूरी है। क्यों अधूरी है उसके पीछे का अभी तक भाई लोगों ने सिर्फ यही एक रीज़न बताया है कि किसी समय पहले यहाँ पर आक्रमण हुआ था और यहाँ पर जो आक्रमण हुआ था उसकी वजह से हर मूर्ति अधूरी है। देखिए हर मूर्ति यहाँ अधूरी मिलेगी ये देखिए आप देख सकते हो। अब ये मूर्तियाँ किसकी हैं किस तरह की हैं पर जो भी है हर मूर्ति यहाँ अधूरी है हर मूर्ति अधूरी ऊपर तक ये देखिए भाई माइक ले लेंगे। देखिए मैं आपको प्रयास करता हूँ दिखाने का कि हर मूर्ति यहाँ पर अधूरी है ये देखिए और भी करीब से देखिए हाय भाई क्या नाम है आपका ईसफ यही रहते हो नहीं साढ़ से साढ़ से आए हो हाँ। यही पास ही में है 7-8 किलोमीटर की दूरी में पहली बार आए यहाँ पर नहीं एक दो बार दो तीन साल हो गए कई बार आ चुके हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है हाँ वो एक बार अपने चाचा के साथ आए थे तो इसके जो अभी गेट बंद हो गए जाने के अच्छा तब खुला था जाने देते थे लोग अच्छा हाँ और अब यो ये रेलिंग लगा दी गई है ये पहले ये नहीं लगे थे पहले नहीं लगी ये अभी सुरक्षा और के लिए लगा दी गई है। अच्छा चलिए अंकित जी अंकित नाम है नहीं ऋषभ ऋषभ नाम है क्या करते हो पढ़ाई करते हो पढ़ाई कौन सी क्लास में क्लास 8 में 8 में हूँ। तो भाई पढ़ते रहो हाँ और घूमते भी रहो हाँ हाँ दोनों चीज़ करते रहो लेकिन बुरे काम नहीं नहीं ठीक है तभी तो ये मंदिर में आते हैं। अच्छी बात है तो ये छोटे छोटे बच्चे कुछ टकरा गए और अच्छा लगता है जब कुछ भाई लोग ऐसे मिल जाते हैं बड़ा आनंद आता है।
दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो यहाँ का मतलब लोकल प्रशासन है, जो भी है हमारी जिससे बात हुई, जो इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, जो इस इमारत की देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने एंट्री लेने के बाद हम लोगों से बोला कि स्टैंड अलाउ नहीं है यहाँ पर, तो उसकी क्या वजह हो सकती, वो उन्होंने नहीं क्लियर की है, ऐसा ऊपर से उन्हें आदेश है, तो फिलहाल हम यूँ ही शूट कर रहे हैं इसको। हाँ मेरे भाई, यूट्यूब की वीडियो है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अंदर भी आ गया हूँ, और यहाँ पर अंदर इसके दरवाजे के अंदर आप देख रहे हो काफ़ी अंधेरा है, और यहाँ पर अंदर का आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाने का प्रयास कर ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं, और हाँ ये अपना चैनल है भाई, और ये हाँ सब्सक्राइब भी, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, वो ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिक में। हाँ ये भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, और उसके लिए हम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आप लोग क्यों देर कर रहे हो भाई, आप लोग भी सब्सक्राइब करो, और करोगे नहीं तो ऐसे कुछ आपके चैनल हम देखेंगे। बिल्कुल धन्यवाद भैया, और भी आपके जो मित्रगण हों उन्हें भी दिखाइए। मना कर दिया भैया, आप काफ़ी देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं, इनका कहना है यहाँ के जो लोकल जो भी इसकी देख रेख कर रहे हैं। तो फिलहाल बाहर जा रहे हैं हम लोग, एंट्री आउट करते हुए। आशा करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा, और इस मंदिर की जो भी इमारत की जानकारी दी है वो भी पसंद आएगी। चलते हैं, होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग। यहाँ से अब चल रहे हैं एक दूसरी मंजिल की ओर। यहाँ आने के बाद हालांकि मेरा इरादा भी था, और यहाँ पता भी लगा हमको कि बेहटा बुजुर्ग जो कि एक विख्यात प्राचीन मंदिर है, और वो भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर, उसकी भी मतलब एक रहस्य उसमें भी है। रहस्य ये है कि भारत में जो मानसून आता है उसी मंदिर से तय किया जाता है। तो ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है, लेकिन अभी आपको आगे लेकर के चलते हैं, बेटा बुजुर्ग को दिखाते हैं दूसरे व्लॉग पे।